पहले आइन में तरमीम करानी है, तो इसका जरा जवाब दें कि आप क्या देख रहे हैं कि हो जाएगी। जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है वो ये है कि बहुत से एमएनएस को अपनी नंबर गेम पूरी करने के लिए बेसिक चीज है, तरमीम तो तब होगी जब ये कंफर्टेबल होंगे नंबर गेम के ऊपर, मेजोरिटी चाहिए पॉपुलेशन गवर्नमेंट को, वो इनसे पूरी नहीं हो रही। और मैं पीटीआई की सिचुएशन बता सकता हूँ कि हमारे गोजरा से आज फतेहाना साहब एम एन इलेक्ट हुए हैं, वो बेरून मुल्क भाग गए हैं इसी वजह से कि उनको उठाने की कोशिश की जा रही थी। पीछे उनका बेटा है असद फतेहाना। हाँ हाँ, ये बहुत ज्यादा सारे मीडिया पे चल रहा है, बिल्कुल सही बात आपने बोली। जी जी बताए जी। इस किस्म के 8 केसेस है। ब्रिगेडियर असलम गुमन है सरबड़ियाल से एमएनए, उनको 11 दिन तक अगवा किया गया और उनको यही बात यही हो रही है कि हर किस्म की हरासमेंट से वोट लेने की कोशिश की जा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तक जबकि हम बात कर रहे हैं मेरी जाती राय के अंदर ये है कि इनसे ये काम कंट्रोल नहीं होगा और ये मैं अगले 1-2 हफ्ते के अंदर टेबल होते नहीं देख रहा ये अमेंडमेंट जो है किसी तरीके से भी। इसके साथ साथ कुछ खबरें ये हैं कि जो कोलिशन गवर्नमेंट के कुछ मेंबर पार्लियामेंट हैं जिनके जमीर वो कहते हैं कि हमारे जागे हुए हैं, वो विलिंग नहीं है इस किस्म की फजूल अमेंडमेंट को जिसमें एक किस्म की अनडिक्लेयर्ड सिविल मार्शल ला टाइप की चीज इन्होंने कर देनी है, अदलिया को बिल्कुल अंडरमाइन कर देना है, उसकी जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो वो उसमें सुना है कि उनके कुछ चंद एमएनए भी इनको नहीं दे रहे। फजलुर रहमान साहब इसके बाद आते हैं कि उनका भी एक स्टेटस स्टांस है, उनके चंद घंटों में मेरे ख्याल में अभी जो वो ड्राफ्ट पेश करना चाहते हैं जो उनकी नजर में जुडिशियल रिफॉर्म्स हो सकते हैं उसके अंदर ये अमेंडमेंट को वो करके जो कि आवाम के 25 करोड़ आवाम के जिसमें इंटरेस्ट सर्व होने की कोशिश की जाएगी, ना कि वक्ती तौर पे कुछ चंद लोगों को फायदा देने के लिए। तो शायद अगर इस किस्म का अफवाह मुतफीम बन जाए तो फिर एक उसमें पीटीआई को भी शायद ये इनको उस तरह से अपना बना दें ड्राफ्ट को कि पीटीआई भी उसकी हमायत करे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क की जुडिशरी को रिफॉर्म होना चाहिए, लेकिन एम 25 करोड़ आवाम होना चाहिए, ना कि ये 2-3 चीफ होने चाहिए जिनको टेंशन देना। तो ये तो खुद चाह रहे हैं कि हमारे जजेस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, कि हमारी पसंद के जजेस हों, हमारे पसंद के फैसले हों जो हम चाहते हैं। तो ये तो वो तब्दीली चाह रहे हैं, आईन में तरमीम लाना चाह रहे हैं। और वो सीक्रेटिव सी तरमीम थी जिसका के वजीर कानून के पास भी मसौदा नहीं था, रातों रात वो टेबल करने की कोशिश करके मोहर लगवाने की कोशिश की गई, उस जैसे कि रबर स्टाम्प का काम लिया जाना था पार्लियामेंट के लोगों से, वो तो कोशिश नाकाम होगी इनकी 2 हफ्ते पहले। अभी जो है अभी मसौदा आएगा और जुडिशियल रिफॉर्म बाहर आ जाएंगे इस मुल्क को, वो अगर उसमें पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन मद्देनजर होगा उसमें मेरे ख्याल में ये पीटीआई भी शायद ऑन बोर्ड हो जाए उसमें अगर आए तो भी ये बहुत दूर की बात है। मेरे ख्याल में वो जोर जबरदस्ती छीन जपटी वाला जो माहौल था वो तो खत्म हो गया। मेरा नहीं ख्याल ये कोई ये जो एससीओ कॉन्फ्रेंस है प्लान है 2021 को, उससे पहले मैं नहीं देख रहा कि ये टेबल होगी ये वाली चीज। अच्छा, तो आप क्या देख रहे हैं कि अभी जो इमरान खान की पार्टी है तो उसको कहाँ देख रहे हैं कि एहतजाज जो होते रहेंगे एहतजाज या अभी रोक दिए जाएंगे, और इमरान खान को ये कहा जी हाथ बांध के, क्योंकि आपके प्रोग्राम के अंदर कभी कभी आप मेहरबानी करती हैं मुझे ले आती हैं जी। तो मैं सबसे पहले तो अपना वो प्यारे भाई मैं बाद में चाहूंगा कि उनका नाम भी जानता जो बड़े वो हमारे ब्राह्मण लोग जो है ना इंडिया के अंदर पाकिस्तान के अंदर कॉन्टिनेंट